अब आई थिंक सारे लोगों का यही ड्रीम मैच होगा इस बार समरस्लैम 2021 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का नो मर्सी का रीमैच। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस दूंगा जिसकी वजह से रोमन वर्सेस सीना हो सकता है पॉसिबल इस बार समरस्लैम 2021 के अंदर। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हुई इसलिए लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना तो खैर अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है पर बहुत सारे इवन इतने बड़े बड़े रूमर्स है कि भाई इन दोनों का मैच हो सकता है इस बार समरस्लैम 2021 में। पर गाइस इसके बारे में आपको कुछ थॉट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जिसके तहत ये हो सकता है ऑफिशियल। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और भाई सबसे पहला रीजन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो गाइस यहाँ पर से आता है जॉन सीना के रिटर्न। जॉन सीना के रिटर्न हो रही तो भाई इससे बढ़िया डब्ल्यू के अंदर कोई चीज हो ही नहीं सकती। जॉन सीना एक काफी बढ़िया वेव है, सुपरस्टार है, काफी बढ़िया इवन वो सुपरस्टार है, काफी अच्छे रेसलर है और भाई वो रिटर्न करते हैं तो भाई उनको एक काफी बढ़िया तगड़ा ओपोनेंट चाहिए। तो भाई उसके लिए रोमन रेंस आई थिंक एक परफेक्ट मैच हो सकता है और भाई ऑडियंस के सामने बहुत परफेक्ट मैच बन सकता है और भाई जॉन सीना ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये मैच हमको देखने को मिल सकता है इस बार समरस्लैम 2021 के। सेकंड रीजन की बात करते हैं तो सेकंड रीजन यहाँ पर से आता है रोमन रेंस के लिए भी एक परफेक्ट अपोनेंट और एक मेगा ह्यूज स्टार चाहिए समरस्लैम के अंदर जो कि रोमन रेंस को हरा भी सकता है। तो गाइस समरस्लैम के अंदर हमने देखा कि रोमन का अपोनेंट ब्रॉक था तो रोमन यूनिवर्सल चैंपियनशिप पहली बार कैप्चर की थी पर गाइस रोमन रेंस के लिए एक बढ़िया अपोनेंट चाहिए। तो गाइस आई थिंक जो है यहाँ पर से हमारे जॉन सीना ही हो सकते हैं और भाई जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस एक काफी बढ़िया मैच है। जॉन सीना जो है रोमन रेंस के लिए काफी बढ़िया अपोनेंट बन सकते हैं और भाई यहाँ पर से रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना एक परफेक्ट मैच बन सकता है क्योंकि भाई रोमन जो है काफी बढ़िया अभी फिलहाल जो उनका हिल रूप चल रहा है भाई इसके तहत रोमन को तो भाई कोई भी हरा नहीं सकता। तो भाई यहाँ पर स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो एंगल दिखवा सकती है भाई जो रोमन रेंस है वो सभी को हराते जा रहे हैं ऐसे मेरे ख्याल में जैसे उन्होंने अपना जो टाइटल रिटेन किया था ऐसे मुझे रोमन रेंस करते हुए दिखाई दे रहे तो भाई ऐसे हमको देखने मिल सकते हैं और भाई रोमन रेंस जो है एक बड़े ओपोनेंट के लिए उनके तलाश है। तो भाई जॉन सीना से बेहतर नहीं थी उनके लिए समरस्लैम के लिए तो भाई ओपोनेंट कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता। पर भाई इसमें बात करें तो थर्ड एंड फाइनल रीजन की जो कि आ सकता है और भाई यहाँ पर से जो थर्ड एंड लास्ट रीजन है वो है गाइस लाइव फैंस के रिटर्न और स्मैकडाउन को चाहिए काफी तगड़ी रेटिंग्स। आपको पता है स्मैकडाउन जो है काफी अच्छी रेटिंग्स तो गेन कर लेता है रोमन रेंस के कारण एक लौता ही रीजन है कि भाई रोमन रेंस स्मैकडाउन के ऊपर वैसे भी आपको कौन सा स्टार स्मैकडाउन पर चाहिए। तो गाइस रोमन रेंस रेटिंग गेन लेते आते हैं, जॉन सीना बहुत अच्छी रेटिंग्स लेकर आते हैं पर और डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छी रेटिंग्स गेन करनी है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए एक बढ़िया फ्यूड एंड बढ़िया सुपरस्टार। तो गाइस आई थिंक जो है रोमन रेंस एंड जॉन सीना ही एक दो ऐसे बड़े नाम से जो कि स्मैकडाउन को बहुत ज्यादा रेटिंग्स गेन कर सकते हैं। इवन आप जॉन सीना रॉ पर आते हुए रॉ के अंदर भी चार चांद लग जाएंगे पर रॉ के अंदर आते तो उनको एक अच्छी स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू को देनी चाहिए। तो देख लेते पर गाइस आई थिंक स्मैकडाउन के अंदर आ रहे स्मैकडाउन को रेटिंग चाहिए और स्मैकडाउन को चाहिए लाइव ऑडियंस आ रहे हैं और भाई यहाँ पर से डब्ल्यूडब्ल्यू हमें दिखा सकते हैं भाई लाइव होने सारे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को भी कुछ नई चीज इम्प्रूव करनी चाहिए, नए नए सुपरस्टार यहाँ पर मैचेस के लिए चाहिए। और भाई जो बात आती है बड़े टाइटल की यूनिवर्सल टाइटल की तो भाई रोमन रेंस के लिए भाई एक मेगा ओपोनेंट चाहिए और भाई मेगा ओपोनेंट से बात चलती है तो भाई जॉन सीना इस लिस्ट के अंदर तो भाई हाजिर है और भाई जॉन सीना भी ऐसे सुपरस्टार जिनको जो है बहुत बार चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं। जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस होता है तो भाई काफी बढ़िया होता है और भाई यहाँ पर से जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस लाइव होने से आने के बाद कंफर्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो गाइस यहाँ पर से ही कुछ मैंने आपको टॉप रीजंस थ्री बताया तो भाई जिसकी वजह से ये मैच होता हुआ हमको दिखाई दे सकता है पॉसिबल इस बार समरस्लैम 2021 के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है ये दोनों का मैच है तो भाई कौन जीतेगा? मैं तो भाई पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों के समरस्लैम के मैच के लिए बट स्टिल जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने प्लान के साथ जाए और इन दोनों का मैच मुझे कंफर्म करवाती हुई दिखाई दे इस बार समरस्लैम के अंदर। तो इस बात की आज की हमारी वीडियो में से ये तक की अगर आपको वीडियो हमारी पसंद है तो आप कूल कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन ताकि हमारी बेल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस ये आज की हमारी वीडियो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।